Hello guys, welcome to my channel Mati and Etit. And today we will see two different ways of card decorating and also how to make origami rakhi. So let's begin. Oh, ek aur baat. Subscribe aur like karna mat bhulna. Ab chalo. Go, karana, go, go, karana, go, go, go. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्राफ्ट पेपर या ड्राइंग पेपर लीजिए, उसको हाफ में फोल्ड कर दीजिए एंड देन उस पर कोई भी लवली सा मैसेज लिख दीजिए आपके भाई के लिए। बट मैसेज लिखने से पहले ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। क्यों छोड़नी है देखते जाइए। जगह छोड़ने को इसलिए बोला था क्योंकि वो जगह पे हम एक ब्यूटीफुल राखी ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर जगह छोड़ी थी अब उधर हम कोई भी मंडाला या तो फिर अगर आपका भाई छोटा है तो आप उसके लिए कोई भी उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो। बट दिस टाइप ऑफ मंडाला विल लुक लाइक मोर ब्यूटीफुल। और मंडाला मतलब कोई भी डिज़ाइन जो लाइक गोल गोल लाइक डिज होती है, उन सारी सर्क्यूलर डिज़ाइंस को हम मंडाला बोलते हैं। आप मंडाला ड्रॉ कर लो, कलर फिलअप कर लो, उसके बाद आप स्टोन्स भी स्टिक कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो। उसके बाद आप कोई भी थ्रेड ले लो, उसको डबल करो और फिर ट्विस्ट करो और फिर जस्ट स्टिक इट। सिंपल। दूसरी साइड पे ऐसे ही थ्रेड का मेजरमेंट लेके स्टिक कर दो। सेकेंड डेकोरेटिंग डिज़ाइन के लिए आप कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट ले लो, फिर उस पर कोई भी मार्कर या स्केच पेन से जस्ट लाइक लाइन्स ड्रॉ कर दो। बट आप जिस डायरेक्शन में लाइन्स ड्रॉ करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, सो बी केयरफुल। प्लास्टिक पे फिर हमें थोड़ा सा एकदम हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है। फिर प्लास्टिक को हमारे कार्ड पे उल्टा लगा दीजिए और बस हमारा कार्ड रेडी है। कलर सूख जाए उसके बाद आप उस पर कोई भी मैसेज लिख दीजिए। अब बारी हो ओरिगामी राखी की, सो उसके लिए कोई भी स्क्वायर पेपर लीजिए, उसको हाफ में फोल्ड कीजिए, वापस से अनफोल्ड कीजिए और फिर वापस से उसको हाफ में लाइक दिस फोल्ड कर दीजिए। अनफोल्ड करने के बाद पेपर को लाइक दिस डायमंड शेप की पोजीशन में रखें। ऊपर का कॉर्नर सेंटर की तरफ ला के प्रेस कर दीजिए और सेम स्टेप्स अपोजिट डायरेक्शन पे भी फॉलो करने हैं। आपको पेपर पे ट्रायंगल शेप नज़र आ रहे होंगे, उस ट्रायंगल को वापस से फोल्ड करना है। आपको कुछ इस तरह का शेप दिखाई देगा, फिर उस शेप को वापस से हाफ में फोल्ड करना है। आपको आपका पेपर अब कुछ इस तरह से टाई शेप का दिखाई दे रहा होगा, उस शेप के कॉर्नर्स को वापस से इनवर्ड्स फोल्ड करके प्रेस कीजिए, फिर उसको खोलिए, ट्रायंगल बनेगा, उसको वापस से बाहर की साइड फोल्ड करना है और सेम स्टेप्स अपोजिट डायरेक्शन पे भी फॉलो करना है। अब आपकी राखी ऑलमोस्ट रेडी है। नेक्स्ट स्टेप्स है कि आप वापस से पेपर को इनवर्ड फोल्ड कीजिए, ऑपोजिट डायरेक्शन को भी इनवर्ड फोल्ड कीजिए, फिर पेपर को उल्टा कीजिए और फिर सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए, इनवर्ड फोल्ड करना है। फिर एक स्ट्रिप उठाइए, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना है, बट पूरा फोल्ड नहीं करना है, ये लाइन से फोल्ड करना है। फिर वापस से पेपर को उल्टा कीजिए
और उसी लाइन से पेपर को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कीजिए। अब बीच में जो ये स्क्वायर है उसको हम खोलेंगे। ज्यादा प्रेस नहीं करना है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। सो अब हमारी राखी बन गई है। आप इस राखी को लाइक दिस बंद भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये राखी है तो आप इसको बंद करेंगे, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फिर इजीली खुल भी सकती है अगर आप खोलना चाहे तो। बट अभी भी हमारी राखी थोड़ी सी अधूरी है, वो इसलिए कि डेकोरेट नहीं किया है। सो इट्स डेकोरेटिंग टाइम। राखी को डेकोरेट करने से पहले स्ट्रिप्स पर अच्छी तरह से ग्लू लगा दीजिए, फिर वो ग्लू सूख जाए उसके बाद वापस से ग्लू लगाइए और फिर डेकोरेट कीजिए। बहुत ज़्यादा ग्लू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ग्लू लगाइए और फिर उसको अगर आप लाइक से स्प्रेड करेंगे तो भी वो अच्छे से हो ही जाएगा। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप अपने फिंगर से भी स्प्रेड कर ही सकते हैं। फिर अलग अलग कलर की वुलन थ्रेड लीजिए, वुलन थ्रेड नहीं है तो दूसरी कोई थ्रेड भी चलेगी। वुलन थ्रेड को राखी के अराउंड लपेटना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको इस तरह से मल्टी कलर की राखी बनानी है तो आप मल्टी कलर भी कर सकते हो। अगर आप कोई एक कलर से ही पूरी राखी करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ऑब्वियसली बिकॉज कि ये आपकी राखी है, आप इसको जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारी राखी के बीच में एक छोटा सा स्क्वायर है तो स्क्वायर को डेकोरेट हम करेंगे। और उसको डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड पे, बट यूज कार्डबोर्ड ओनली, कार्डबोर्ड पे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर या तो फिर कोई डिजाइंस ड्रॉ करें, उसको कलर करें, कट करें और फिर वो बीच में जो स्क्वायर है उस पर स्टिक कर दें। अगर आपका भाई छोटा है तो आप उसके लिए वो स्क्वायर में चॉकलेट भी स्टिक कर सकते हो। स्टिक वैसे कीजिए कि फिर वो आसानी से निकल भी जाए। सो हियर इट इज, हमारी राखी बन गई है। और ये राखी आप लॉकडाउन में भी बना सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो विच इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप डे। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो अ लॉट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।